गुड मॉर्निंग क्लास, आज मैं नया क्लास में आया हूँ। पीछे वाली क्लास में हम लोग क्या किए थे, सारा डिटेल फार्मूला को डेराइव कर लिए थे, सब प्रूफ कर लिए थे कि सारा फार्मूला कैसे होता है। आज हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। हीरोन फार्मूला मेरा बेसिक है कि उसको लेकर के सारा क्वेश्चन को करना है ना, क्योंकि इस चैप्टर में एक्चुअली नाइन्थ क्लास का है तो हीरोन फार्मूला पर फोकस ज़्यादा किया है, तो मैं सारा क्वेश्चन उस पर कराने की कोशिश करूँगा। बाद में जो भी सीन आएगा या जैसा क्वेश्चन होगा सारे फार्मूले का यूज़ करूँगा, ठीक है ना। तो देखिए, एक थोड़ा सा छूट गया था लास्ट वाले डे में कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल क्या करना है, ये ए है, बी है, सी है, हमको पता है ये 90 होता है, 90 के सामने वाला सबसे बड़ा साइड होता है और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। ध्यान देना कि हाइपोटेन्यूज बोलेंगे जी, ये 90 है ना, तो अगर आप इसको बेस रखते हैं तो ये हाइट हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री तो है ही है, तो ये हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में आपका जो एरिया जो निकलेगा ना, एरिया, वो एरिया कैसे निकलता है, तो 1/2 इंटू बेस हो जाएगा आपका BC और हाइट हो जाएगा AB, है ना। अगर मान लो आपको मानने का मन है कि हम उसको नहीं मानेंगे, हम इसको हाइट मानेंगे, मानिए कोई दिक्कत नहीं है। इधर से आप हाइट गिराए तो ही बेस हो जाएगा, जिस पर हाइट गिरेगा वही बेस हो जाएगा, ये हाइट मानिएगा तो ही बेस हो जाएगा और एरिया वही हो जाएगा 1/2। अगर ये ए है, बी है, सी है, तो बेस का मतलब हो जाएगा ये वाला इस पर ना, बी सी, और हाइट हो जाएगा ये भी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। अगर आप इसको बेस मानेंगे तो इसको हाइट, और नहीं तो आप इसको अगर बेस मानिएगा तो इसको हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से ही इसका एरिया निकलता है, ठीक है, ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को फिर बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा। सबसे पहले एक एग्जांपल से आपको ऊपर में क्वेश्चन डिस्प्ले होगा। करना क्या है कि पहले क्वेश्चन जब डिस्प्ले होगा तो आपको वीडियो को पॉज करना है, पहले ट्राई करना है, मेरे से पहले बनाना है और मैच कराना है फिर बाद में कि कैसे मैं बनाया हूँ और कैसे आप बनाए हैं, ठीक है ना। तो इससे आपका स्किल बहुत डेवलप्ड हो जाएगा, क्योंकि मेरा तो यूनिक होगा ही, हर बार यूनिक होगा तो आपका भी यूनिक होने लगेगा और धीरे धीरे क्रिएटिविटी आपका बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मेरे पास एग्जांपल वन से मैं क्वेश्चन को कर रहा हूँ, उस दिया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर दिया है एंड पेरीमीटर 32 दिया हुआ है। देखो कितना चालाक सीख किया है, तीनों साइड नहीं बताया उसने, अगर तीनों साइड बताएगा ना तो वो क्लास 8 का हो जाएगा सवाल फिर, है ना। दो साइड बोला कि एक 8 है एक 11 सेंटीमीटर है, क्या है 11 सेंटीमीटर है, और उसने बोल दिया भैया कि पेरीमीटर जो है वो 32 सेंटीमीटर है और हमको आप एरिया बताओ, एरिया बताओ, ए फॉर एरिया, एरिया क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया, एरिया पूछा। अरे भाई, दो साइड दिया है ना, पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड का सम होता है ना, तो उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, तीसरा साइड निकालेंगे। अब जब तीनों साइड निकल जाएगा तो हीरो के फॉर्मूला लगा पाएंगे कि नहीं, है ना। यहाँ पे लिख रहे हैं हम थोड़ा ना कि पेरीमीटर मेरे को 32 दिया हुआ है और एरिया निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले पेरीमीटर के हेल्प से, एक्चुअली पेरीमीटर सॉल्यूशन है ना, यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो पेरीमीटर हमारे पास दिया हुआ है 32, पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड का सम, पहला साइड 8 है, दूसरा साइड को मान लेते हैं BC और तीसरा साइड 11, तीनों को जोड़ेंगे तो पेरीमीटर ना आएगा, तीनों को जोड़े हैं दिया है 32 दिया है और निकाले हैं, बराबर ना होगा जी, तो इससे यहाँ पे BC निकल जाएगा, ये BC और 18 और एक 19 हो जाएगा ना, ये 19 है प्लस 32, अरे भैया इक्वल टू 32, और ये BC ये उधर चला जाएगा था 32 माइनस 19, जिससे क्या निकल गया BC, इधर से हो जाएगा 12 और एक 13, देख लीजिए 13 निकल गया BC, या इधर नहीं दिख रहा होगा तो आप इधर देख लो, BC इज इक्वल टू 13 निकल गया, क्या निकल गया 13। तीनों साइड अगर पता है तो एरिया निकालेंगे किससे, हीरो फार्मूला से। कैसे निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर, कैसे निकलता है तीनों साइड का सम जी, तीनों साइड क्या है, पहला साइड 8 है, दूसरा 13 है और ये 11 है, पहला दूसरा तीसरा, तीनों साइड का सम डिवाइड बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अरे भैया फार्मूला लिखते हैं ना हम लोग, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, बस ये सिद्ध करने तक ही, फार्मूला को डराइव करने तक ही इसको रखिए, बाकी मने मन तीनों साइड का सम डिवाइड बाई 2, क्योंकि तीनों साइड को ऐड करेंगे पेरीमीटर, 2 से डिवाइड करेंगे तो सेमी, आधा सेमी पेरीमीटर। देखिए कितना हो जाएगा सर, इधर से इसमें हम ऐसे करते हैं 13 और 7 20, है ना, और
एक 21 हो गया और 22 और 10 32, कितना हो गया 32। ऐसे भी देखिए ना, 3 1 4 और 8 12 कैरी वन है ना, कैरी वन हो गया और 1 2 3 आप देख लो 16 ही आएगा। ठीक है आपका आया था। हाँ उसके बाद एरिया, एरिया बस ये छूट मूट काम लिखेंगे, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये तो लिखेंगे। अब हम तो मन ही मन करेंगे, यहीं जाएंगे सीधा। एस हमारा कितना है 16, और 16 माइनस पहला साइड, 16 माइनस पहला साइड, इसको ऐसे ही लिख के यहीं पे जाएंगे, क्योंकि जब आगे वाले क्वेश्चन में जाएंगे तो सीधे घटा घटा के लिखने लगेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। तो 16 माइनस दूसरा साइड, यहाँ पे उंगली रखना है, और 16, दिस इज 16 माइनस तीसरा साइड, ये है तीसरा साइड 11, बस हो गया काम खत्म, एरिया निकल जाएगा 16। और ये कितना हो गया 8, और 13 में से ही 3, और इस 16 में से 11 गया है, 11 5 16, ये देखिए ऐसा आ रहा है जी। देखिए तो ये 4 हो गया, और 4, अब इसको 4 दूना 8 कर लीजिए, 3 इंटू 5 कर लीजिए, देखिए तो कितना, ये 4 के बदला 1 4 है ना, और यहाँ से 4 का 2 निकल जाएगा, 4 का 2 निकल जाएगा, तो कितना निकल रहा है, इधर मैं अब आ रहा हूँ, उधर दिखेगा नहीं, ये 4 निकल गया, ये 2 का 4 का 2 निकल गया, 4 का निकलेगा ना, 2 4 को हम लोग लिख सकते हैं ना जी, 2 इंटू 2, तो 2 के बदला 1 निकल गया। अब ये तीनों अंदर ही रह गया, 5 3 15, 15 दूना 30, अंदर ही रह गया ये 30 है ना, या यूँ कह लो कि अंदर ही रह गया ये 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये 8 और √5 15 दूना 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये एरिया आ गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है, 8√30 एकदम सही है। आपका आया था, आया होगा तो कमेंट करिए यस, ठीक है ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ऐसे हम लोग कहानी बनाते हैं, तीनों साइड पता रहेगा तभी ना हीरो फॉर्मूला लगाएंगे जी। हाँ आपको देखो तीनों साइड नहीं दिया, बोला पेरीमीटर दे दिया, तो पेरीमीटर इसीलिए दिया है ताकि पेरीमीटर के लिए तीनों साइड का सम करिए और इधर पेरीमीटर का वैल्यू दीजिए, जिससे कि तीसरा साइड निकल जाएगा। यहाँ 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 एक ही बात लिखा हूँ, दो बार लिख दिया हूँ, जब तीसरा साइड निकल गया फटाफट सेमी पेरीमीटर निकाल लीजिए, सेमी पेरीमीटर निकल गया, एरिया निकाल लीजिए, बस इसको नाम मात्र का लिखिए, एस वैल्यू लिखिए इसका, एस में से पहला साइड दूसरा साइड और तीसरा साइड को बारी बारी से घटाइए और एरिया निकालिए। अगर रूट में फंस रहा है तो इसको छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, कोई कोई बुक में √30 का भी वैल्यू निकाल देगा, 8 से गुना करेगा और आंसर लिखेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, है ना। एक और मैं क्वेश्चन लूँगा, देखिए ये थोड़ा कड़ा कड़ा क्वेश्चन होगा ना, थोड़ा आराम आराम से रिलैक्स होकर बनाना है, क्वेश्चन को समझ के बनाना है। देखिए ये क्वेश्चन, ये चैप्टर का जो डिमांड किया है अभिषेक किया है, एक GGPS के स्टूडेंट है अभिषेक पाल है ना, अभिषेक कुमार है ना, वही इसको चैप्टर को बोला है कि बनाइए, उसी के डिमांड पे ये चैप्टर बन रहा है। अगर आपको भी अगर कोई डिमांड से अगर कोई चैप्टर बनवाना है पूरा, तो आप बोल सकते हैं कमेंट में, ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 2 कर लेते हैं पहले। अ ट्रायंगुलर पार्क ए बी सी, ए बी सी है साइड 120। देखो आपको क्वेश्चन दिखेगा, वीडियो पॉज करके आप पहले ट्राई कर लेना, ठीक है ना। देखिए ये है ए है बी है सी है, इसमें तीनों साइड दिया हुआ है, कितना कितना है 120 एक साइड दिया हुआ है, दूसरा साइड कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है, और तीसरा साइड 50 मीटर दिया हुआ है, ऑल आर मीटर, ऑल आर इन मीटर, हाँ एक ही यूनिट में होना चाहिए सर, फिगर भी दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन में फिगर भी दिया हुआ है। अ गार्डनर धनिया हैज़ टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट, इसके चारों तरफ धनिया जो है फेंस लगाता है, फेंस का मतलब होता है कि मान लीजिए एक खेत है तो चारों तरफ से घेरने के लिए ऐसे नहीं कवर लगा देते हैं, फेंस कर देते हैं, मतलब समझिए तार लगा देते हैं या कुछ ऐसे घेर देते हैं जिससे कि इसके अंदर जाके कोई जानवर खेती ना खाए, फेंस करना मतलब तार लगा देना, समझिए तार लगाता है, तो तार कितना बड़ा लगेगा, जितना बड़ा ये पेरीमीटर होगा मतलब बाउंड्री होगा, क्योंकि बाउंड्री पर ना लगाएंगे, खेत पे तो नहीं लगाएंगे, अंदर फील्ड में नहीं लगाएंगे, फील्ड के बाहर बाहर लगाएंगे, मतलब जितना बड़ा तार होगा जितना पेरीमीटर होगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है। ऑल्सो प्लांट ग्रास इन साइड, और अंदर में क्या किया, ग्रास लगा दिया है, मैं ग्रास को लगा दे रहा हूँ, लाल कलर से ग्रास को दिखा रहा हूँ, रेड कलर, अंदर में क्या किया जी, ग्रास लगा दिया, ये अंदर में ग्रास लगा दिया, तो ग्रास कहाँ लगाएगा, ये ग्रास लगाया है ये एरिया में लगाएगा, जितना एरिया होगा उतना एरिया में ग्रास लगाएगा, क्योंकि ये जगह को हम एरिया बोलते हैं, पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है।
हाउ मच एरिया डस ही नीड टू प्लांट, तो कितना एरिया में उसको प्लांट करने का जरूरत होगा। हीरो फार्मूला से फटाफट निकाल दीजिए, तीनों साइड देवल है, निकल जाएगा। अब उसके बाद अगला, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विथ बार्ब वायर। बार्ब वायर से जब ये फेंस करता है एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर मीटर लिविंग द स्पेस ऑफ 3 मीटर वाइड, और रेट जो वायर जो खरीद रहा है उसका रेट कितना है, रेट ऑफ वायर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 20 रुपीज़ पर मीटर है, मतलब एक पर मीटर, पर मीटर मतलब एक मीटर में 20 रुपया लगता है। तो मान लीजिए 50 मीटर लगेगा तो 50 × 20 कर लेंगे, अरे एक का पता होता है तो ज़्यादा का निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, करते हैं ना, तो आराम से निकाल लेंगे। अगर एक मीटर का कॉस्ट पता है तो जितना मीटर तार आएगा उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 को, निकल जाएगा कॉस्ट। कॉस्ट भी पूछा है, बस बोला लिविंग ए स्पेस ऑफ 3 मीटर वाइड फॉर गेट ऑन वन साइड। वन साइड किसी भी गेट पर, किसी भी एक साइड पर अंदर जाने के लिए खेत में 3 मीटर का गेट छोड़ दिया है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे छोड़ेंगे 3 मीटर का गेट, ठीक है, ये आपका 3 मीटर का गेट हम यहाँ छोड़वा दे रहे हैं। ये जो है ये गेट है जी, यहाँ पे छोड़ दिया है, यहाँ से धनिया अंदर जाएगा, धनिया नाम है जी, ये 3 मीटर है, बहुत आसान है। तो पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एरिया बता देता हूँ कि कितना वो ग्रास लगाएगा, ठीक है। तो एरिया निकालना बहुत आसान है सर, एरिया के लिए हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। फॉर एरिया के लिए सबसे पहले हेडिंग आप बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले एस निकलते हैं, तीनों साइड दिया, एस का मतलब सेमी पेरीमीटर। कैसे निकलता है, पेरीमीटर निकाल के 2 से डिवाइड करो। पेरीमीटर कैसे निकलेगा, तीनों साइड को ऐड करो, 50 120 प्लस 80 पेरीमीटर। अब तार लगाया है तो, तार लगाया है तो उसमें एरिया में कोई दिक्कत नहीं होगी, एरिया में नहीं है 3 घटा देना। एरिया मतलब ये बाउंड्री से मतलब नहीं है, एरिया का मतलब अंदर वाला जगह से मतलब है, तो कोई घटाओ घटू कुछ नहीं करना है, सेमी पेरीमीटर पूरा निकलेगा जैसे पहले निकलता था। देखिए कैसे जोड़ेंगे, ये 200 हो गया और ये 50 250, आप इसको ऐड करो ना, 250 ही आएगा, 125 आ गया, कितना आया जी, 125 मीटर। अब जब एरिया निकालने जाएंगे, एरिया है ना, रिक्वायर्ड एरिया निकालो ना जी, रिक्वायर्ड एरिया का मतलब होता है जो आप एरिया पूछ रहे हो, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ग्रास, जहाँ पे ग्रास लगाया है। तो ग्रास का एरिया निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, हीरो के फॉर्मूला एक बार, ये फॉर्मेलिटी है खाली, लिख दे रहे हैं, थोड़ा देर में छूटने लगेगा लिखना, एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी, यही ना जी, इसको देखबो नहीं करेंगे, बस लिख दिए हैं खाली, कैसे निकालेंगे देखिए। एस का मतलब निकला हुआ है हमारा 125 इंटू 125 में पहला साइड को घटाएंगे, फिर यही एस में से दूसरा साइड को घटाएंगे, फिर यही एस में से, एस हमारा 125 है, तीसरा साइड को घटाएंगे, यही ना 80 है ये, ऐसे करके लिखते हैं। एस मतलब 125 जो आया उसमें से पहला साइड को घटाया, दूसरा को, तीसरा को, बारी बारी से घटाएंगे उंगली का यूज़ करके, है ना, ऐसे देखो। अब क्या होगा भाई, 125 में से 50 गया, कितना, 75, ऐसे लिख देता हूँ, 25 गया, फिर 25 गया, कोई दिक्कत नहीं है, 75, 125 में से 20 गया, 5, ये कितना गया जी, इधर से 20 उधर से 25, 45 हो गया, 45 हो जाएगा, देख लो, 80 और 20 100, इधर से 20 हो गया उधर से 25। अब इसको जब निकालना है आप तोड़ लो, कैसे तोड़ोगे ना, आराम आराम से फैक्टराइज करना, किसी को दिक्कत, टेबल आता होगा बहुत आसान है, अगर टेबल नहीं आता है तो आप 20-25 तक पहुँचाइए धीरे धीरे करके, वो मैं क्लास बनाऊँगा, टेबल वाला भी क्लास बना दूँगा, कैसे याद करना है, याद तो करना है लेकिन उसको याद रखना कैसे, अप्लाई कैसे करना है वो बताऊँगा मैं, वो तो सब बता देते हैं, ठीक है ना। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, देख लो कैसे करेंगे भैया, 125 को ऐसे 5 25 हम 3 बार देखो, क्योंकि 2 के बदले 1 निकल जाएगा। आप 75 को भी ऐसे कर लो, अगर आपको आता है तो हम लिख लेते हैं 5 × 5 25 और 25 दिया 75, और किसी को नहीं आता है तो ऐसे 5 से कट लो, अगर किसी को नहीं आता है तो 5 से 15 पचे 75 और 5 दिया 15, है ना, मतलब 5 × 5 × 3, यहाँ पे ये 5 को 5 पे छोड़ देंगे, पेयर बन जाएगा, और 5 × 9 = 45, 5 × 9 = 9 जा, तो 9 को हम लोग क्या लिखते हैं, 3 × 3। अगर किसी को नहीं आता है ये 45 लिखने तो आप उसको भी फैक्टराइज कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे 3 × 3 × 5, है ना, मैंने वही लिखा है 3 × 3 × 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब पेयर पेयर बना के निकालिए, 2 के बदला 1 निकलता है स्क्वायर रूट से,
ये दो के बदले एगो निकल जाएगा, ई और ई मिलके एगो पेयर बन जाएगा। देखिए ई 5 निकाल दिए, ई मिलके एगो 5 निकल गया, ठीक है। ये और ये निकल गया चारों, और ये दोनों मिलके एगो निकल गया, एगो 5 अंदर ही रह गया, और ई दोनों मिलके एगो 3 निकल रहा है। ये 3 निकल गया ना, 3 निकल गया, अभी 1 ठो 3 बच गया अंदर, और एगो 5 बच गया, माने 5 × 3 अंदर ही रह गया। तो उससे हम कह सकते हैं 125 तिया 25 तिया 75, 375 ऐसे हो गया। देख लो 5 तिया 15, 75, 75 पचे कितना होगा जी, देखिए तो 70 पचे 350, और 50 25 375 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 5 तिया 15 स्क्वायर मीटर, इतना एरिया में वो लोग ग्रास लगाएंगे। यहाँ दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है क्या? तो नहीं दिखेगा तो आप यहाँ एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करके यहाँ जो लिखा हो वहीं लिख रहा हूँ, एक ही चीज़ है दोनों, ठीक है ना। अगर यहाँ दिख गया होगा तो यहाँ देखने का जरूरत नहीं है। इसके बाद ये समझिए, ये समझिए, एक ही स्टेप है। इतना एरिया में ग्रास लगेगा जी, घास लगेगा, 375 × √15 मीटर स्क्वायर, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैच किया आंसर आपका, मैच किया था कि नहीं बताइए ज़रा, है ना। फिर मैं क्या करने जा रहा हूँ कि फेंस जो करेगा तो उसका कॉस्ट कितना लगेगा, है ना। बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तीनों साइड दिया है, हीरो के फार्मूला से एस निकालो और फिर कर लो। यहाँ पे मेन दिक्कत है कि दो दो के बदले एक निकलता है, और ये नहीं निकालने आएगा तो आप प्राइम फैक्टराइज करना, दो दो के बदले एक निकालना, अगर पेयर नहीं बनेगा तो रूटे के अंदर रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दो के बदले एगो निकलेगा, बाकी मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, ठीक है। और एरिया है तो स्क्वायर मीटर में, ठीक ना। यहाँ यहाँ एक ही बात लिखा है, इसके बाद ई जा सकते हो चाहे ई जा सकते हो। देखिए इसमें बोला है कि अगर 3 मीटर छोड़ के, यही क्वेश्चन में था कि 3 मीटर अगर छोड़ देगा गेट के लिए धनिया, तो कितना बड़ा तार लगेगा और उस तार को कॉस्ट कितना लगेगा। तो रेट तो बता दिया है कि धनिया जब खरीदेगा तो 1 मीटर में 20 रुपया देना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं कि लेंथ ऑफ वायर कितना लगेगा। लेंथ ऑफ वायर, जो वायर लगेगा ई वाला तो पूरा 150, इधर कुछ नहीं छोड़ा है, ई 50 पूरा लग जाएगा, और ई वाला 80 पूरा का पूरा लग जाएगा, ध्यान देना है ये 80 पूरा लग जाएगा, और ई 120 में से 3 छोड़ देना है, ई 120 में से 3 मीटर यहाँ पे छोड़ दिया है, ई छूट गया है, 120 में से 3 छूट गया, तो कितना ही बच जा रहा है, 120 में 3 को घटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना मीटर तो उसको तार लेना ना पड़ेगा, 120 में से 3 घटा के लिखे हैं जी, 117 हो जाएगा, 8 5 ही कितना हो जाएगा, 8 5 13, 130 ही हो गया, और ई हो गया 117, तो ये 200 और 17 30 47 हो जाएगा, 247 मीटर धनिया को तार लेना होगा, 3 1 4 2, ठीक है। और 1 मीटर को 20 रुपया लगता है तो कॉस्ट कितना पड़ेगा भैया, कॉस्ट ऑफ वायर जो लगेगा वो कितना होगा, 247 × 20 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1 मीटर का 20 रुपया, तो इतना मीटर का कितना, 20 से मल्टीप्लाई कर दो यार, अरे 1 मीटर का 20 तो इतना मीटर का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे यार, है ना। देखिए कितना होगा सर, 7 × 14 और 24 × 48 से 49, देखो तो 3940 रुपये लगेंगे, धनिया को इतना रुपया देना होगा तब तार होगा, ठीक है, एकदम ठीक है। अब मान लो किसी को ये वाला समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे भी कह सकता है, ये हो गया आंसर, क्लियर है। मान लो कॉस्ट किसी को नहीं निकालने आ रहा, तो यूनिटरी भी हम लगा सकते हैं कि 1 मीटर में 20 रुपये लगते हैं, देयर फोर सिंस 1 मीटर में 20 रुपये लगते हैं, देयर फोर 247 मीटर जो वायर लग रहा है, तो इतना यहाँ इतना छोड़ देना है ना, कैसे, क्योंकि फेंस इधर ना करेगा, खाली दरवाज़ा छोड़ देगा, यहाँ लगाएगा, यहाँ लगाएगा, यहाँ लगाएगा तार, और यहाँ लगाएगा, इतना दरवाज़ा के लिए छोड़ देगा, तो इतना बड़ा तार का लेंथ हम निकाल लिए, 50 प्लस इसमें से 120 में से 3 घड़ी घटा दिए, सबट्रैक्ट कर दिए, जो बचा वो लिख दिए, और बाकी 80, है ना। तो 247 मीटर में कितना हो जाएगा, एक का पता है तो ज़्यादा के लिए यूनिटरी लगाते हैं ना, तो ये भी 3940 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 3940 हो जाएगा, 4940 रुपीज़। ऐसे जाओ या ऐसे, मैं ऐसे रिकमेंड करूँगा, आप ऐसे जाइए, सीधा सीखिए, ठीक है ना। अब आप 9th क्लास में हो गए हो, बड़े हो गए हो यार, है ना। देखिए एक और क्वेश्चन है आपको, पहले फिर बनाना है ना, वीडियो पॉज करिए, बनाइए, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको।
द साइड ऑफ ट्रेंगुलर प्लॉट आर इन रेशियो, रेशियो में दिया हुआ है, रेशियो जो दिया हुआ है ना, रेशियो ट्रेंगुलर प्लॉट का जो रेशियो दिया हुआ है 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर, एंड इट्स पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, रेशियो ऑफ साइड दिया हुआ है, साइड का रेशियो ये दिया हुआ है, एंड पेरीमीटर दिया हुआ है 300 मीटर। हाँ जी, तो हमको एरिया निकालना है, तो हमको एरिया निकालना है, क्वेश्चन है। अब बनाइए, तो 1 2 3 बन गया होगा ना आपसे, वीडियो फंस करके बनाना था, है ना। तो चलिए देखिए मैं बनाता हूँ कैसे, बहुत ही आसान है यार ऐसा क्वेश्चन। रेशियो का मतलब ध्यान देना है, रेशियो में दिया रहता है तो इसका मतलब कि जब ये तीन, पहला साइड तीन होगा, पहला साइड अगर तीन होगा, दूसरा साइड फाइव होगा, तो तीसरा साइड सेवन होगा, रेशियो का मतलब ये होता है। अगर मान लो इसमें दो से गुना कर दिए तो पहला साइड छः होगा, तो दूसरा साइड को भी हमको दो से गुना करना होगा, दूसरा साइड 10 होगा, तीसरा साइड को भी दो से गुना करना होगा, ये साइड भी हो सकता है। मान लो अगर तीसरा साइड को तीन से, अगर तीन से मल्टीप्लाई सब साइड को कर दिया तो 9, 15, 21, मतलब पहला साइड इतना होगा, दूसरा साइड इतना होगा, तीसरा साइड इतना होगा। रेशियो का मतलब कभी एग्जैक्ट नहीं होता है, मतलब किसी न किसी नंबर से यहाँ गुना किया होगा, सब में गुना किया, मल्टीप्लाई किया गया होगा और वो कॉमन नंबर कट गया होगा, है ना। तो इसीलिए जब कभी रेशियो दिया रहे तो पहला साइड को 3 नहीं मानना है, 3x मानना है या 3k मानना है, कोई एक नंबर से सबको मल्टीप्लाई करके मानना है, है ना, क्योंकि ये कट गया होगा ना रेशियो में दे वाला। देखो ना, सबको काट लोगे ना, मान लो कि ये 2 से काट लोगे तो 2 3 6, 2 5 10, 2 7 14, रेशियो वही आएगा। मान लीजिए इसको 3 से काट लीजिएगा, देखिए ना वही रेशियो आएगा सर, रेशियो में कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग साइड भी रहेगा तो रेशियो एक ही आ सकता है। कौन से नंबर में सब में मल्टीप्लाई किया है मेरे को नहीं पता है, इसीलिए जब हम साइड को मानेंगे तो पहला साइड को हम लोग 3x मानेंगे, दूसरा साइड को 5x और तीसरा को क्या मानेंगे, 7x, यहाँ पर लिख भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेट फर्स्ट साइड इज इक्वल टू 3x, सेकेंड साइड 5x एंड थर्ड साइड दिस इज 7x, ऐसे मान लेंगे। अरे भैया, जब तीनों साइड देवल है, पेरीमीटर देवल है, उसके हेल्प से x निकल जाएगा, x निकल गया मतलब x का वैल्यू डालेंगे, तीनों साइड निकल जाएगा, और तीनों साइड निकल गया तो हीरो के फॉर्मूला से एरिया निकल जाएगा, कितना आसान है, है ना। बहुत ही आसान है। पेरीमीटर कितना दिया है भैया, 300। तो चलो यार, पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड का सम, पहला साइड प्लस दूसरा साइड प्लस तीसरा साइड, पेरीमीटर देवल है, इधर पेरीमीटर हमने निकाला, उधर देवल है, देवे दिया हुआ पेरीमीटर और हमारा निकाला हुआ पेरीमीटर बराबर होगा, इससे एक्स निकल जाएगा, 7 5 12 3 15, अभी मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, उधर जाएगा ना, कैसे होगा मैं इधर दिखाऊं कैसे होगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड, लेकिन हम डायरेक्ट काट देते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट काटने आप भी सीखिए। 15 2 30 और 10, एक्स कितना, 20। देयरफोर यहाँ से हमारा निकलेगा ना सर, देयरफोर पहला साइड जो निकलेगा, पहला साइड है ये भी, कितना है 3x, मतलब 3 × 20 मतलब कितना, 60। दूसरा जो साइड है BC वो कितना है, 5x, मतलब 5 × x का वैल्यू 20, मैंने 20 × 25 100। और जो तीसरा साइड होगा AC, तीसरा साइड का मतलब कितना है सर, 7x, मतलब 7 × 20 और 140, ऑल आर इन मीटर, ऑल आर इन मीटर। तीनों साइड पता चल गया मेरे दोस्त, है ना। अब एरिया निकालना बहुत ही आसान है, कैसे निकालूंगा, इसके बाद इधर है, कैसे निकालूंगा, इधर तो क्वेश्चन था, डिटेल दिया हुआ ना। अब एरिया करने के लिए हमको चाहिए एस, क्या चाहिए सर, एस, एस कैसे निकलता है, तीनों साइड का सम, पहला साइड कितना देवल है, मैं इधर लिख दूँ, पहला साइड 60, दूसरा 100, क्योंकि मैं यहीं से निकालूंगा, मैं फार्मूला को यूज़ नहीं करूंगा, आप भी ऐसे ही अभ्यास करना। पहला साइड 60a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसको इसको ये करेंगे 200 और एक 300, हम जोड़ लेते हैं कैसे, इसका 60 इसमें डाल देंगे तो 40 और 60 100 हो जाएगा, ये 100 200 और ये 100 300। किसी को नहीं ऐड करने आता तो सामने सामने ऐड कर लेना, ऐड करने तो आता ही होगा आपको, कितना हो गया 150, एस निकल गया। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालना चाहेंगे हम तो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होगा ना, होगा ना सर, होगा ना जी, हाँ होगा ना अभिषेक,
हाँ देखो, तो फिर क्या होगा, ये तो मैंने बोला है कि फॉर्मेलिटी के लिए लिखते हैं, बस ऐसे चलने लगेंगे सीधे। एस, एस का मतलब कितना आया है मेरा, निकाला हूँ 150 पहला साइड, और पहला साइड में मैंने, सॉरी, सेमी पेरीमीटर में पहला साइड को घटाना है, मतलब कितना है 150 में मैं 60 को घटाऊंगा। ये ना स्टेप छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम चलते हैं, आपको हम बता देते हैं एक्चुअली, है ना, 150 में से 100 को घटा दूसरा साइड को, और तीसरा में हो जाएगा क्या, 150 में से आपको घटाना है 140, ठीक है। अब देखो ना यार कितना बनेगा, 150 यहाँ कितना बनेगा, 90, यहाँ 90 बनेगा, क्यों 0 और 15 में 6 हो गया 9, यहाँ कितना बचेगा 50, यहाँ कितना बचेगा 10। अब इसको फैक्टराइज करके देखिए कितना बढ़िया, देखिए मैं कैसे लिखूंगा इसको, 10 को निकाल लेता हूँ, यहाँ से भी 10 निकाल लेता हूँ, 15 15 को मैं क्या लिखता हूँ ना, 5 × 3, 5 × 3 15 और 15 को 10 से गुना कर दिया, 150, है ना। किसी को नहीं आएगा तो फैक्टराइज कर लीजिएगा, फैक्टराइज करने आपको आता होगा 150 को, 5 × 3 = 15 ऐसे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि आसान कैसे हमको निकालने में होगा, ये 10 को पेयर यहाँ से बना सकते हैं, 10 × 9, 9 को भी तुम 3 × 3 लिख सकते हैं, देख लो 10 × 9 90 होगा ना सर, 9 को हम 3 × 3 लिख रहे हैं, 3 × 3, और इसको क्या करेंगे 50 × 10, और यहाँ पे भी एक मेरा ही 10 है, देखिए कैसे निकल गया, बहुत आसान हो गया। 150 को हमने 5 × 3 × 10 लिख दिया, अरे 5 × 3 = 15 15 तो 150, 90 को लिखना था तो 9 × 10 = 90, तो 9 इसको रख बना लिया, इसको 10, 5 × 10 = 50 50, और ये 10 पेयर बनाइए, E5 और E5 मिलके बाहर, ठीक है, 1 10 और 1 10 मिलके बाहर, 2 10 हो गए, ये 2 10 मिलके एक और बाहर, ठीक है, अब कोई और बच ही नहीं गया शायद, 2 3 2 3 है ना, ये दोनों 3 मिलके बाहर, तो 1 ठो 3 अंदर खाली रह गया, तो इससे कितना हो गया देखिए, तो 10 × 100 100 × 5 = 500 500 × 3 = 1500 √3 स्क्वायर मीटर, 1500 √3 स्क्वायर मीटर, एकदम सही है आपका, आया है देखिए, तो मैच कराइए, तो देखिए दिक्कत नहीं होना चाहिए भैया, इसने दिया था रेशियो दिया था, फिर पेरीमीटर दिया था, एरिया पूछा था, तो पेरीमीटर दिया था कि तीनों साइड निकाल लो, उसी के हेल्प से निकल जाएगा। तो हमने जब रेशियो दिया था पहला साइड दूसरा साइड तीसरा साइड को, माना पहला साइड को 3x, बिना x के लिखिएगा गलत हो जाएगा, पहला साइड 3x, दूसरा साइड 5x, तीसरा साइड 7x, पेरीमीटर कितना दिया था 300, तो पहला साइड प्लस दूसरा साइड प्लस तीसरा साइड तीनों का सम पेरीमीटर होता है, इसे x निकल गया, x का वैल्यू डाल दिया इसमें इसमें इसमें, तो तीनों साइड निकल गया, तीनों साइड निकल गया, सेमी पेरीमीटर निकल गया, सेमी पेरीमीटर निकल गया, तो s × s − a s − b × s − c से यहाँ पहुँच गए, बाकी फैक्टराइज करके निकाल दिया, एरिया निकल गया, ऐसे ही निकालेंगे। सारा क्वेश्चन से बात करने सीखना है, आराम आराम से करिए और उसे बात करते हुए बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से हमने 3 क्वेश्चन लिए, अब आगे का क्वेश्चन में, आगे जो है ना चैप्टर में 6 क्वेश्चन दिया है, मैं उसको बनाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और उसके पहले आपको क्या करना है, सारा क्लास को या जिस भी बुक को भी आप बनाते हो, कंसाइज अगर ICSE के हो तो कंसाइज मैथमेटिक्स बनाते हो, CBSE हो तो RS अग्रवाल, RD शर्मा या NCERT कोई भी बुक बनाते हो, आप सारा का अभ्यास करो, आप देखोगे कि आपका सारा बुक का क्वेश्चन बन रहा है, इतना ज़बरदस्त थ्योरी बताया हूँ कि सारा बनेगा, है ना। और आगे फिर नेक्स्ट क्लास में तो हम बनाएंगे ही, है ना। अब क्या करना है, आप वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, अच्छी लग रही है तो ठीक है ना, और नेक्स्ट क्लास हम आएंगे नए क्लास के साथ, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही।